ऐसे बेसिक सा अपना रूम था आज का। ये बेड, हेलमेट, टीवी, ये बैग्स और इधर है वॉशरूम। ठीक है, ये रहा वॉशरूम। ओके, सब बढ़िया सा डिसेंट सा रूम था। टॉप बॉक्स मैंने लगा दिया है। ठीक है, अभी बाकी है अब बैग्स लगाना। बैग्स लेके मैं जा रहा हूँ नीचे। मैं हो चुका हूँ रेडी, हेलमेट है साथ में, पहनेंगे और सीधा निकल जाएंगे। ठीक है, हेलो सो, आई एम योर ओन ट्रैवलर प्रतीक एंड वेलकम यू टू अनदर एपिसोड ऑफ पुणे गुजरात पुणे कोस्टल राइड। गुड मॉर्निंग, बेसिकली फ्रॉम अहमदाबाद। अभी अहमदाबाद से कुछ 30-40 किलोमीटर पहले है। रात में बहुत थक गए थे आप। आपने अगर लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कल रात में बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि वो कल का जो पैच था वो बहुत ही गंदा था यार। कितना ऑफ रोडिंग, कितना रोड खराब, फिर निकलते निकलते अंधेरा हो गया था। ठीक है, अगर आपने लास्ट ब्लॉग नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए। आपको आई बटन पे, यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, पहले उसको देख लियो। ठीक है, उसके बाद में ये वीडियो कंटिन्यू करो। अभी सीन ऐसा है कि मेरे पीछे अपना होटल है, ये अपन ने कल रात के लिए यहाँ पे स्टे था अपना। ठीक है, तो अभी सब सामान वगैरह पैक हो चुका है, बाइक पे अपन ने पूरा लोड कर दिया है। थोड़ा बाइक को क्लीन करना बाकी है, थोड़ा बाइक को क्लीन करते हैं। बाजू में इनका रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में मस्त अपन चाय पीते हैं बढ़िया, और फिर अपनी जर्नी करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो बाइक पूरा रेडी है, बस बाइक पे थोड़ा सा साफ़ करने की ज़रूरत है, थोड़ा विंडशील्ड क्लीन कर लेता हूँ, बाकी सब तो ऑल सही है। ठीक है, फिर चाय पीते हैं, फिर यहाँ से निकल जाते हैं। ओके, दिन का पहला सेल्फ शानदार। रिटर्न जर्नी की राइड की करते शुरुआत लेके भोलेनाथ का नाम। बोल हर हर महादेव, जय श्री शंभो। ये होटल का यही खासियत थी, देखो एक मिनट में अपन लग गए हाईवे पे और ये सामने अपने टोल। अहे जबरदस्त, यहाँ से सीधा अपना हाईवे। मैप अपन ने लगा दिया है, डायरेक्ट होम। ठीक है, मतलब पूरा डायरेक्ट सीधा घर के लिए। हाँ, अपने को लाइन से जाने नहीं दिया यार, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाओ भैया। वो ये लग गया अपन अहमदाबाद वाला हाईवे। अहमदाबाद से अपन करीब करीब 30 किलोमीटर पहले थे। अभी 30 किलोमीटर बाद अहमदाबाद आएगा, फिर वडोदरा आएगा, फिर मुंबई आएगा, फिर नहीं, वडोदरा के बाद में सूरत आएगा, फिर मुंबई आएगा, फिर अपना पुणे, फिर अपना घर। ऐसे कुछ सीन है आज का। अभी रीच मेरे को दिखा रहा है 10 बजे का फिलहाल, क्योंकि अभी बीच में अपने को खाना भी खाना पड़ेगा। टाइम पड़े तो अपने को दो बार खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह का और शाम का, रात का भी खाना खाना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट अपना हो गया है। ठीक है, आओ, मैंने ट्रिप रीसेट नहीं किया, वो कर देता हूँ। ये अपना ट्रिप रीसेट हो गया, चलते जाओ बढ़िया एक नंबर। यो गुजरात, लग गया अपन मुंबई के हाईवे पे। यहाँ से पुणे अभी 6:32। ये आ गया आज का पहला टोल सूरत अहमदाबाद हाईवे पे। वापसी की जर्नी बहुत थका देती है यार, पूरा आलस आ जाता है। आज बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन घर जाने की खुशी थोड़ी सी अलग ही है भाई। नर्मदा रिवर देख लो एक बार, मस्त ब्रिज बना हुआ है।
फाइनली अपने शंभू के 6,000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए यार इस राइड पे। बढ़िया एकदम 6,004 किलोमीटर हो गए यार। ट्रैफिक रोक के रखा है यार गुजरात में भाई। एक बार फिर फुल टैंक कर देंगे। फुल मास्क पहन के निकल जाएंगे। वेलकम बैक टू महाराष्ट्र दोस्तों। गुजरात बॉर्डर हो गई है खत्म, लग गया अपना महाराष्ट्र। यहाँ से दिखा रहा है 257 किलोमीटर और सीधा अपना घर, जिसको अपने को पहुंचने में लगने वाले हैं अभी भी 7 घंटे, अप्रोक्स 6 घंटे पकड़ लो। 1 बजे के आसपास अपन पहुंच जाएंगे। भाई साहब, मुंबई ट्रैफिक इज गेटिंग वेरी वेरी वर्स्ट। बहुत टाइम है यार, कब निकलेंगे इस ट्रैफिक से। फाइनली आधी रात को अपन आ गए मुंबई से बाहर। अभी बज रहे 12:39 टू बी एग्जैक्ट, और फिर भी अपने को टाइम लगने वाला है 2 घंटे घर पे पहुंचने के लिए। किलोमीटर्स बाकी है 93 किलोमीटर्स के बाद अपन घर पे पहुंच जाएंगे। मेरे को तो कुत्तों का डर लग रहा है। क्योंकि कुत्ते साले बहुत बदमाश होते हैं। बाइक के पीछे भागते हो सवेरे सवेरे, इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है मेरे को। पहुंच गया अपन लोनावला। फ्यू मोर किलोमीटर्स टू गो, बस अभी 40 किलोमीटर बाकी है, उसके बाद में अपन घर पे पहुंच जाएंगे। फाइनली भाई अपना ये लास्ट टर्न आ गया। बढ़िया, गुजरात राइड वॉज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। और बस अभी 7 किलोमीटर बाकी है, अपन घर पे घुस जाएंगे सीधा। बहुत बढ़िया राइड रही यार, मेरी सबसे पहली राइड जो कि इतनी बड़ी थी, सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। बहुत ही बेहतरीन, जिसको बोलते हैं वाह। अभी तो और बड़ी बड़ी राइड बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले राइड के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। इस वीडियो में यही तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आए, रिटर्न जर्नी स्पेसिफिकली अपनी पुणे गोवा पुणे कोस्टल राइड की, ठीक है, तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। उसके बाद में चैनल को तो आप सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। ये देखिए, जैसे ही राइड ख़त्म हुई गुजरात का पेट्रोल भी ख़त्म हो गया। अपन ने टंकी फुल करके लाए थे ताकि यहाँ तक घुस जाए, मतलब यहाँ तक सफिशेंटली पेट्रोल उसमें बच जाए अपने लिए, ताकि अपन पूरा घूम सकें। बट कोइंसिडेंसली वो भी नहीं चाहता है, पूना भी नहीं चाहता है, महाराष्ट्र भी नहीं चाहता है कि गुजरात की कोई भी चीज़ याद रहे, इसलिए अपना पेट्रोल भी ख़त्म होने को आया है। गुजरात का पेट्रोल पूरा ख़त्म।